उत्तराखंड एसटीएफ ने पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों से ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पास से एसटीएफ ने लाखों रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 14 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल, 2 पासबुक और 7 अलग अलग बैंक की चेकबुक भी बरामद की। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े कई लोग तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लोगों को योजना के नाम पर ठगा करते थे। गिरोह का मास्टरमाइंड दीपक राज शर्मा ठगी के पैसे से देहरादून के सुद्धोवाला में एक जमीन खरीद कर उस पर अपना हॉस्टल बना रहा है। फिलहाल एसटीएफ के पास ठगी का शिकार हुए 35 लोगों की शिकायत आई है, जिसके आधार पर गिरोह के सरगना और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत I4C करके एक संस्था है जो कि सभी स्टेट्स में साइबर क्राइम के इश्यूज में कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का कार्य करती है। इनके द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल डेवलप किया गया है जिसमें कि अगर आपके यहाँ से किसी भी नंबर से किसी अन्य राज्य में कोई भी अगर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है तो उस नंबर की स्थिति आपको और शिकायत की स्थिति पता चल जाती है। तो उस पर हमारी टीम के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए देहरादून स्थित कुछ ऐसे नंबरों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साइबर फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे नंबर्स और ऐसे बैंक अकाउंट्स को चिन्हित कर उनको डेवलप किया गया और उसी क्रम में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक बड़ा साइबर क्राइम का सिंडिकेट संचालित कर रहे थे जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विक्टिम्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इनके कब्जे से बड़ी संख्या में चेकबुक, पासबुक, लगभग 1,30,000 रुपए, साथ ही लगभग 64 सिम कार्ड और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी जो बरामदगी हैं, जो सिम कार्ड्स हैं, मोबाइल फोन हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इनका विश्लेषण किया जा रहा है और पता किया जा रहा है कि इनसे और कितनी शिकायतें ऑल ओवर इंडिया में लिंक्ड हैं। संभावना है कि सैकड़ों शिकायतें अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में इनके विरुद्ध दर्ज की गई हैं। तो एक बड़ा साइबर क्राइम का एक जो सिंडिकेट था वो यहाँ से संचालित किया जा रहा था जिसको हमारे द्वारा बस्ट किया गया।